तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप केवल फ़ोटो सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो केवल फ़ोटो सेल करके घर बैठे ही अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको इस वेबसाइट में हम बताएंगे आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे अकाउंट करना है, अकाउंट बनाना है, और कैसे आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे और उस पर क्या टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और उसे कैसे सेल करेंगे, और आप अपने पेमेंट को, अपने पैसे को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो अंत तक देखिए हमारे वीडियो को। दोस्तों, आपके मन में एक बात आता होगा कि ये फ़ोटो खरीदते कौन है, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये फ़ोटो वो लोग खरीदते हैं जो ऐड बनाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको ऐड बनाने के लिए फ़ोटो खरीदना पड़ता है, तो वही फ़ोटो ये लोग यहीं इन वेबसाइटों से खरीदती हैं। ऐड बनाने के लिए फ़ोटो इंडिया के ज़्यादा इसलिए बिकती हैं क्योंकि इंडिया दोस्तों बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ पे कोई भी देश की कंपनी होंगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इंडिया के फ़ोटोज़ का ऐड बनाएंगी, जिससे उनका प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बिके। तो इसीलिए यहाँ इन वेबसाइटों पे आके वो कंपनियाँ फ़ोटो खरीदती हैं, और आप भी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे आएंगे गूगल सर्च बार में और यहाँ पे लिखेंगे mostphoto.com। यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारा mostphoto.com यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जब क्लिक करने पे हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। सॉरी, हमारा नेट बंद था, ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं हम इसको। उसके बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें, यहाँ पे अब तक 31 मिलियन फ़ोटो यहाँ पे हैं, यानी 31 मिलियन दोस्तों, यानी कि 3 करोड़ 1 लाख फ़ोटो से ज़्यादा यहाँ पे हैं फ़ोटो, और 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे सेलर हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड पे आप लॉगिन हो जाएंगे, जिससे आपका इंटरफेस कुछ बड़ा खुल जाएगा और आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो किस कितने प्रकार का फ़ोटो यहाँ पे सेल होता है। आप कहीं अगर जो फूड, कोई खाना खा रहे हैं या किसी फूड का फ़ोटो खींचे हैं तो भी सेल हो जाएगा। यहाँ पे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसका फ़ोटो सेल कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भीड़ है उसका फ़ोटो सेल कर सकते हैं, किसी जानवर का फ़ोटो खींचे हैं तो सेल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई भी नेचर का फ़ोटो खींचे हैं तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के फ़ोटो दोस्तों, जो आपके मोबाइल फ़ोन में पुराने नए फ़ोटो हैं उन सबको यहाँ पे अपलोड कर देना है और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करके ले जाना है। आपको हम बता दें कि ये वेबसाइट कितना पैसा आपको हर फ़ोटो पे देती है, तो यहाँ पे आपको दिखा दें हम कि ये वेबसाइट कितना पैसा देती है आपको। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक फ़ोटो का अगर जो वो मीडियम साइज़ का फ़ोटो लेता है तो आपको कम से कम $12 मिलेगा, और अगर जो लार्ज टाइप का आपका पूरा फ़ोटो लेता है तो आपको $35 मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा पैसा नहीं देगा, 50% आपको देगा और 50% ये वेबसाइट रख लेगी। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि अगर जो $35 में आपका फ़ोटो बिक गया तो आपको कम से कम $17-17 मिल जाएगा, और $17 यहाँ इस समय $1 कम से कम 72-73 रुपये का होगा, तो सोचिए आपको कितना पैसा मिलेगा। अब चलिए हम यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोने पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक बायर का, एक फोटोग्राफर का है, तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बायर वाला नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ हम फोटोग्राफर चूज कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, अपना यूज़र नेम डालेंगे, कोई भी अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, जैसे हमने डाल दिया कोई भी अपना यूज़र नेम, आपको भी यूज़र नेम डालना है, यही यूज़र नेम आपके वहाँ पर दिखेगा जो आप सोच समझ के डाली, हमने डाल दिया। अब चलिए यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस हम डाल लेते हैं और पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर रिपासवर्ड आप वही पासवर्ड दोबारा टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो दोस्तों हमने वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता दें, आपको कन्फर्म स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए आपको,
क्योंकि ये वेबसाइट स्ट्रांग पासवर्ड ही एक्सेप्ट करती है। और स्ट्रांग पासवर्ड के लिए आपको एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर और एक सिंबल ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको ये नीचे वाला ऑप्शन, इसको भी चूज कर लेना है। यहाँ पे ये इसको भी चूज कर लेना है। यहाँ पे हम इसको चूज कर लेते हैं, टिक कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक तरह से आप और साइन अप कर सकते हैं, यहाँ साइन अप विद फेसबुक से आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मानना है कि आप फेसबुक से मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फेसबुक से करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका पासवर्ड वासवर्ड वो खुद अपने आप चूज कर लेगा। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। यहाँ पे हमारा वेलकम टू RAM 721 यहाँ पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब चलिए हम अपनी प्रोफाइल पूरा कर लेते हैं। अब प्रोफाइल पूरा करने के लिए यहाँ एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। चलिए देखते हैं क्या खुलता है। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुला। अब यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम के आगे यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो भी हमारा नाम है, और यहाँ पे अपना डालेंगे लास्ट नेम। तो हम अब चलिए अपना लास्ट नेम डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है हाइड माई फुल वन नेम ऑफ ऑन द साइट। यहाँ पे आपको हाइड नहीं करना अपना नाम। जैसे दोस्तों आपका नाम कोई देखेगा, आपकी फ़ोटो पसंद आए, तो दोबारा वो आपके अकाउंट पे आके अगर जो आपकी फ़ोटो ख़रीदना चाहे तो आपके नाम से ही आपको सर्च करेगा, आपका नाम ही देखे, इसलिए अपना नाम हाइड ना करें। यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कंपनी नेम लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई कंपनी नहीं है इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। इसको आप इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब चलिए हम बताते हैं क्या करना है। आप यहाँ सबको छोड़ देंगे, यहाँ आपकी कंट्री खुद चूज कर लेगा इंडिया। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें अकाउंट टाइप में अगर जो आपको दो ऑप्शन देता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बायर एक कंट्रीब्यूटर, अगर जो आप पे बायर टिक हो तो आप कंट्रीब्यूटर पे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बेचने आए हैं, ख़रीदने नहीं, तो आप कंट्रीब्यूटर पे टिक करेंगे। उसके बाद इसको लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस छोड़ देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे करने क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुला। अब यहाँ पे जहाँ अवतार लिखा है यहाँ पे हम अपना फ़ोटो एक सेट करेंगे जो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम फ़ोटो एक डाल लेते हैं। यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे फ़ोटो डालने के लिए। तो यहाँ अपडेट पे हमने क्लिक किया दोस्तों, हमने अपडेट पे क्लिक किया तो हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुला। यहाँ हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका अपना कोई फ़ोटो चूज करके यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे हमने चलिए एक फ़ोटो चूज कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे, अपडेट पिक्चर पे, तो ये आपके नेट के हिसाब से अपडेट होगा। तो चलिए हम इसे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे अपडेट होने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुला दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी, आप लिख सकते हैं अपने बारे में कुछ। यहाँ पे मैंने अपने बारे में लिखा है आई एम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। आप यही मत लिखिएगा, कुछ और लिखिएगा, कुछ चेंज लिखिएगा। उसके बाद आप पूरा ऑप्शन छोड़ देंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ये आपका प्रोफाइल पूरा हो जाएगा। अभी चलिए हम बताते हैं आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, यहाँ पर आएंगे माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे आने के बाद यहाँ इजी फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएगा, आप कहीं से भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अंदर अगर जो आप डॉक्यूमेंट में रखे हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप कैमरे से भी खींच के यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से एक फ़ोटो कैमरे से यहाँ पे एक खींच लिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रहे आपको, यहाँ पे कम से कम 5 मेगापिक्सल का आपका फ़ोटो होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। बहुत सी वेबसाइटें आती है अगर जो उससे कम है आपका फ़ोटो, तो वहाँ से आप फ़ोटो को अपने 5 मेगापिक्सल का कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा फ़ोटो हो चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये फ़ोटो खुलेगा। यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग हो चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ़ोटो पे और यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक दीवार की फ़ोटो खींची थी। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट शॉप फोटोज़ जो है वहाँ पे अपना लेबल लगा दिया है कि कोई भी फ़ोटो कोई भी इंसान आके यहाँ पे ये फ़ोटो इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता है क्योंकि उसका लोगो लगा है। अब यहाँ पे अपना कुछ डिटेल भरेंगे फ़ोटो के बारे में, यहाँ अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे हमेशा। यहाँ पे आप कुछ टाइटल डाल दें। टाइटल क्यों डालना है दोस्तों, क्योंकि टाइटल से ही हमारी फ़ोटो सर्चिंग में आती है। जैसे हमने दीवार की फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीवार, या कम से कम आपको यहाँ पे दो कीवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरा कीवर्ड डालेंगे कुछ भी अपना। चलिए हम डाल देते हैं इंडियन। उसके बाद यहाँ इमेज टाइटल पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ इमेज टाइटल पे करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, चलिए हम कोई भी नाम डाल लेते हैं। यहाँ इमेज टाइटल पे आप अपने फ़ोटो से रिलेटेड ही डालिए, हम चलो अपना नाम डाल लेते हैं या कुछ और भी डाल लेंगे। यहाँ पे अपना इमेज डिस्क्रिप्शन, अपने इमेज के बारे में कुछ लिखेंगे जो भी आपके इमेज के बारे में है। आप दोस्तों सोच के लिखिएगा, हम वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, आप सोच के लिखिएगा अपने फ़ोटो के बारे में। तो चलिए हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं दोस्तों। हमने अपना डिस्क्रिप्शन लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे लाइसेंस में चूज करना है कमर्शियल। उसके बाद यहाँ पे नो है तो नो रहने देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कुछ हमारा छूटा है या नहीं। यहाँ पे हमारा छूटा दोस्तों, यहाँ पे अपना कीवर्ड हमने नहीं डाला है, यहाँ पे कम से कम दो कीवर्ड डालना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम दो कीवर्ड अपना डाल लेते हैं। कीवर्ड सर्चिंग में आता है, आप सर्चिंग में आने के लिए आपको कीवर्ड डालना पड़ता है, तो चलिए हम अपना कीवर्ड डाल लेते हैं। कीवर्ड डालते समय एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया कोई भी चीज़, यहाँ पे लिखा कीवर्ड डाला, उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद कामा लगाएंगे तो ये एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद आप इसमें कई कीवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दो कीवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश के क्लिक करने के बाद ये दोस्तों हमारा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे आपका सही का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा फ़ोटो कहाँ पे है और कितने का बिकेगा। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, माय अकाउंट पे, वहाँ पे ब्राउज, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है, यहाँ पे दो फ़ोटो हमने अपलोड किया, एक पहले किया था, एक यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड कर लिया है। यहाँ पे आ गया हमारा फ़ोटो यहाँ पे। अब चलो दिखाते हैं आपको कि कितने में फ़ोटो बिकेगा दोस्तों, फ़ोटो कितने में बिकेगा ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आप अपने पब्लिश दिखा सकते हैं कि कब हमारा पब्लिश हुआ, डेट दिखा रहा है। यहाँ पे अपना सेल्स दिखा रहा है कि कितना सेल आपका हुआ। यहाँ से आपका व्यूज कितने आप लोग को फ़ोटो को देखे हैं। यहाँ पे लाइक दिखाएगा कितने लोग लाइक किए हैं। यहाँ पे टैग दिखा रहा है कि आपने कितना टैग लगाया है। और यहाँ पे लाइसेंस दिखा रहा है कि आपका कमर्शियल है तो कमर्शियल दिखा रहा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फ़ोटो कितने में बिकेगा। तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे, माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे सेल्स पे आएंगे, तो यहाँ पे अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपको अगर जो यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल अर्निंग और बैलेंस लिखा है, जब आपका फ़ोटो बिकेगा तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉल पे जो ऑप्शन है या इस तरह ब्लू हो जाएगा डाउनलोड की तरह, और आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, अपने पैसे को अपने अकाउंट में निकाल सकते हैं। और अकाउंट में निकालने के लिए आपको पेपाल के अकाउंट की ज़रूरत होगी। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको वहाँ पे कई वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे देखकर अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। और अपने यहाँ पे जब भी फ़ोटो आपका सेल होगा तो आप वहाँ पे क्लिक करके पैसे को अपने विड्रॉल कर लेते सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ कितने में फ़ोटो बिकेगा आपका, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको जूम कर लेंगे। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज यहाँ पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरह दिखेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो देखने के लिए क्या करना है। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे एक पैसा अर्न करने का एक तरीका और है। यहाँ इनवाइट ए फ्रेंड पे क्लिक करेंगे आप। इनवाइट ए फ्रेंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना लिंक कॉपी कर सकते हैं और इससे किसी बंदे को आप इनवाइट करेंगे। यहाँ अपना लिंक कॉपी कर लिए यहाँ पे और रेफ़र करेंगे आप लिंक को किसी व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा या जीमेल द्वारा। तो आपका दोस्त जब आपको इस पे अकाउंट बनाएगा और उस वो फ़ोटो सेल करेगा तो उसका 10% आपको भी कमीशन मिलेगा। तो ये आपका अच्छा तरीका है और एक फ़ोटो सेल करने का। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि फ़ोटो आपका कितने में बिकेगा। दोस्तों ये फ़ोटो हर फोटो की तरह आपका केवल अगर जो मीडियम साइज़ लेगा वो बंदा आपका फ़ोटो तो यहाँ पे $11.90 का बिकेगा। अगर जो लार्ज टाइप साइज का लेगा तो $35 का मिलेगा। हर फोटो का रेट दोस्तों यहाँ पे यही है 11 या 35। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा, उसमें तीन बड़ी वेबसाइटों के बारे में बताया गया है जहाँ से आप फोटो सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।